तो यही गाइस, अगर आपको भी अपने वीडियो में लाइट इफेक्ट अगर आपको देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को कैसे, यहाँ पर गाइस आपको इस तरीके से आपको अच्छे से वीडियो एडिट करना है। यहाँ पर गाइस इसके लिए दो तरीके जानेंगे, वीडियो को यहाँ पर आपको पूरा देखना है, सब कुछ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको VN ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको नीचे से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको अपना एक वीडियो सिलेक्ट करना है जिसमें भी यहाँ पर आपको एडिट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस ये वाला वीडियो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नॉर्मल से वीडियो है, अब इसमें कोई भी लाइट वगैरह इफेक्ट कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर गाइस इस वीडियो में लाइट इफेक्ट देने के दो तरीके हैं, एक तो चाहे तो यहाँ पर गाइस इमेज से भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आप वीडियो लगाकर भी लाइट इफेक्ट दे सकते हैं। दोनों ही तरीके जानेंगे, इस वीडियो को यहाँ पर आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस लाइट इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के आपको इमेज चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर गाइस आप गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सर्च करना है पिक्सार्ट लाइट इफेक्ट। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आपको इस तरह के लाइट इफेक्ट आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको सिंपल सा इस वाले इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस डाउनलोड करने के बाद आपके यहाँ पे उस वाले इमेज को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फोटो वाले पे क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको उस वाले इमेज को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो अभी आपने यहाँ पर डाउनलोड किया है, उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये वाला इमेज आ चुका है। अब आपको इसको बड़ा कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे आना है, आगे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको आगे आना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, एक लाइटन का, दूसरा यहाँ पर आपको स्क्रीन का। इन दोनों को चाहे तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। चलिए गाइस यहाँ से लाइटन वाला सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसका ओपेसिटी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक करना है इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर गाइस लाइट वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको बड़ा करके यहाँ पर आपको जिस साइड आपको लगाना है उस साइड यहाँ पर आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर आपको इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे फिल्टर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आगे आना है। यहाँ पर गाइस आपको ह्यू का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। आपको क्या करना है कि ह्यू में आने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे आगे पीछे करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो जो भी कलर यहाँ से आपको चाहिए उसको यहाँ से आपको सिंपल सा सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पर गाइस इसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब आपको इसे बड़ा छोटा करके वीडियो में यहाँ पर आपको लगा लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब यहाँ पर गाइस नीचे इस वाले इफेक्ट का यहाँ पर लेयर आ जाता है। तो यहाँ पर गाइस आपको अपने हिसाब से जो जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं इस वाले लेयर को, वहाँ पर आपको ले जाना है वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है कि इस लेयर में आपको इफेक्ट आपको डालना होगा। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से कुछ इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जिससे यहाँ पर गाइस आपका वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर ये जो लाइट वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पर हिलता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपको कोई इफेक्ट अगर आपको डालना है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और इस लेयर को आप जहाँ चाहे वहाँ पर आप ले जा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से लगाने के बाद आपको यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस ये वाला जो इफेक्ट है वो शुरू में इस तरीके से हिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस आप चाहे तो इसमें इफेक्ट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको इसे एनिमेशन देना है इसमें तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको की फ्रेम मिल जाता है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और इसी तरीके से आपको आगे आना है। फिर से आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये डॉट आ जाएगा और इसको आपको जहाँ पर भी आपको ले जाना है वहाँ पर आप इस तरीके से ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस हिलता हुआ नजर आएगा आपके वीडियो में। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस की फ्रेम लगाकर यहाँ पर गाइस आप अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ पर आप इसे ले जा सकते हैं। इससे यहाँ पर गाइस वीडियो में कुछ इस तरीके से हिलेगा ये वाला इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे यहाँ पर हमने एनिमेशन लगाया उसी हिसाब से यहाँ पर गाइस इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है वीडियो में। इसी तरीके से यहाँ पर गाइस और भी लाइट इफेक्ट है जिसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं वीडियो में। इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको फोटो वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, जो नेक्स्ट जो इमेज है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। और इसको भी यहाँ पर आपको बड़ा करके यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग में आपको जाना होगा सबसे पहले। तो चलिए गाइस यहाँ से हम ब्लेंडिंग में जाकर यहाँ से लाइटन वाला जो इफेक्ट है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर गाइस स्क्रीन जो इफेक्ट है दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक वाले पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो वीडियो में यहाँ पर गाइस आप इस तरीके से साइड में यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस वीडियो बनेगा, और इसमें भी यहाँ पर गाइस आप चाहे तो इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से आपको इफेक्ट्स वाले में जाना है, यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट चाहिए उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस वीडियो में लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइस इस वाले लाइट इफेक्ट को जहाँ तक आपको वीडियो में रखना है वहाँ तक आपको इस लेयर को छोटा कर देना है इस तरीके से। अब चलिए गाइस यहाँ पर जो वीडियो वाला जो इफेक्ट है उसको यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए गाइस उसको भी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और इस वाले लेयर को भी यहाँ पर आपको बड़ा कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस ये वाला वीडियो इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको भी यहाँ पर आपको सेम इस वीडियो में आपको ब्लेंडिंग में जाकर यहाँ पर आपको लाइटन वाला जो इफेक्ट है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर गाइस ये वाला जो इफेक्ट है वो वीडियो में यहाँ पर लग जाएगा। चलिए गाइस इस वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में लाइट वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस लेड को छोटा कर देना है, जहाँ तक आपको रखना है वीडियो में वहाँ तक आप इस लेड को रख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको बीच में आपको कट लगाना होगा, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना है इस तरीके से, आपको इस पर क्लिक करके, और जिस वाले लेड को हटाना है यहाँ पर आपको डिलीट करना है इस पर क्लिक करके। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और भी लाइट वाला जो इफेक्ट है उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो आपको उस वीडियो को जाकर डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर कैसे आपको उस वीडियो को यहाँ पर आपको लेकर आ जाना है, और यहाँ पर आपको सेम उसी तरीके से आपको ब्लेंडिंग में जाकर यहाँ से लाइटिंग वाला जो इफेक्ट है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो में जो लाइट इफेक्ट है वो यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर कैसे इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको वीडियो का रिजोल्यूशन सेलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से आपको टेक पे क्लिक करके। वीडियो यहाँ पर कैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका वीडियो गैलरी भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका है, इसके लिए यहाँ पर कैसे एक लाइक तो बनता है पे। चलिएगा इस मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नहीं।